से ही लगातार चल रही है। तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि देखिए पूरा जो दूसरा चरण है लोकसभा चुनाव के दूसरा चरण, यहाँ पर परसेंटेज क्या है। अमरोहा से आप देखिए, अमरोहा में यहाँ पर 14% का मतदान हुआ है, 14% से ज्यादा का। और साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर गाजियाबाद की, सबसे कम 10.67% मतदान हुआ है। मथुरा में, मथुरा के भी आंकड़े सामने आ गए हैं, वहां पर 11% के लगभग मतदान हुआ है। और मेरठ में 12.28% मतदान हुआ है। नोएडा की अगर बात की जाए तो लगभग 11.5% यहाँ पर भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद बहुत कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बागपत में देखिए 11% मतदान है, मथुरा में 10.89% मतदान यहाँ पर है। और ये कहा जाए कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 11.67% पूरे उत्तर प्रदेश का जो मतदान का प्रतिशत है वो सामने आ रहा है। अलग अलग लोकसभा सीटों पर अलग अलग मतदान का प्रतिशत है वो आप देख सकते हैं। और उसी के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटिंग की जो का जो एक पेस है वो किस तरह से चल रहा है। और इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है मनीष शुक्ला जी। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। राज शर्मा जी हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राज शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं धर्मेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मयंक त्रिवेदी जी आरएलडी के प्रवक्ता है, मयंक जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो आपने देखिए 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं, और इस पर जो मतदान का जो प्रतिशत है वो आपने देखा कि किस तरह से जो मतदान का प्रतिशत है। सुबह 9 बजे तक अमरोहा बहुत तेज गति से आगे चल रहा है। तो सबसे पहले मैं राज शर्मा जी आप ही से शुरुआत कर लेता हूं। सर, अमरोहा में बहुत तेज गति से स्पीड चल रही है, और दानिश अली से भी बातचीत भी हुई है हमारे सहयोगी की, जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, सही है। इस वक्त जो जनता के अंदर है वो अंडर करंट है, और जनता बोल नहीं रही है कुछ, और सरकार से रुष्ट है, और कुछ ज्यादा तो सबसे ज्यादा सरकार के काम से तो रुष्ट थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी जिस तरह बोलते हैं, जिस तरह का उनका मंच में व्यवहार रहता है, और जिस तरह की कहानियां वो करते हैं, उससे महिलाओं में भी बहुत बड़ा आक्रोश है। क्योंकि और सबसे ज्यादा महिलाओं में जो आक्रोश है वो मंगलसूत्र के बयान के कारण है, क्योंकि इस सृष्टि में माना गया, विशेषकर भारत की जमीन पर, कि मंगल सूत्र के लिए आदमी कट भी जाता है, काट भी देता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी आभूषण पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा, वो अगर उसमें महिलाओं को सबसे प्यारा होता है तो वो मंगल सूत्र ही होता है। तो ये औरतों में बड़ा अंदर अंदर चल रहा है कि नहीं, ऐसी क्या स्थिति हुई प्रधानमंत्री जी की मंगल सूत्र का नाम लेने लगे हमारे उसमें, जबकि जब से आजाद हुआ, जब से सृष्टि बनी, मैं नहीं सोचता हूं नालायक से नालायक आदमी भी अपनी औरत का मंगल सूत्र, अगर उसे वो जुआ भी खेलता होगा तो अपनी बीवी का मंगल सूत्र कभी गिरवी रखने की कोशिश नहीं करता है, बिरले एक दो हो तो हो। तो इसका अंदर करंट, और इस बात को मानिए कि ये सत्ता के विरोध में वोटिंग हो रही। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो मैं बिल्कुल बायस होके बात नहीं करूंगा। और अमरोहा की आपने बात करी तो वहां दानिश अली जी को जीतना चाहिए, और यही रुझान। ठीक है मनीष जी, अंडर करंट चल रहा है और महिलाओं में कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगलसूत्र का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया है, और उसी को लेकर महिलाएं ये बात कर रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के प्रति गुस्सा एक नजर आ रहा है और इसी को लेकर वोटिंग हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग भारत टीवी देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं भारत समाचार के, उनसे निवेदन है कि मतदान अवश्य करें, भारी संख्या में मतदान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। देखिए, 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश की जो चुनाव हो रहा है उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास 7 सीटें हैं। एक अमरोहा हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में अमरोहा के सांसद ने केवल और केवल सांप्रदायिकता फैलाई, अमरोहा का ध्यान नहीं दिया, और अमरोहा को के लोगों को लगता है कि सांसद नहीं चुनने के नाते से कहीं ना कहीं अन्य संसदीय क्षेत्रों की अपेक्षा अमरोहा विकास की दौड़ में पीछे रह गया, क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स करते रहे, इधर उधर की बयानबाजी करते रहे, और जिस दल से जीते थे उस दल को छोड़कर वो दूसरे दल में चले गए हैं। तो जनता उनको सबक सिखाने का मन बना चुकी है,
उनके सांप्रदायिक बयानों के नाते से, विकास में रुचि न लेने के नाते से 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी। वगैरह मंगलसूत्र वाला जो बयान है उसी उसको लेकर जनता में गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। जी मैं आ रहा हूँ। देखिए ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि घोषणा पत्र में लिखेंगे कि सर्वे कराएंगे संपत्तियों का, ज्यादा बच्चों वालों में हम उसको बांट देंगे, ओबीसी के आरक्षण पर इनका खूनी पंजा सदैव निगाहें गड़ाए रखा। 2011 में कैबिनेट नोट लेकर मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आई थी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सारे पर, कि ओबीसी का जो 27% वोट है उसमें से मुस्लिम आरक्षण दिया जाए, जो कि जो संविधान सभा का मूल मंतव्य था, बाबा साहब ने जो संविधान की संरचना की थी उसमें धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया गया था। उस समय भी ऐसे कुछ लोग थे कांग्रेसियों की तरह जो कहते थे मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दे दो। अभी कर्नाटक में तो इन्होंने दे भी दिया है, वीरप्पा मोली जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने शुरू किया था धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का काम। तो तमाम ऐसे उदाहरण सामने है कि ओबीसी एससी एसटी का जो अधिकार है उसको कांग्रेस छीनना चाहती है, और राहुल गांधी और कांग्रेस की बुरी निगाहें मंगलसूत्र और महिलाओं के जेवरों पर है, ये तो इन्होंने अपने मैनोफेस्टो पे लिखा है। क्या, और अब कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी से कुछ क्या आपने निकाला मैनोफेस्टो, क्या किसी को दे सकते हो मैनोफेस्टो में? मुझे एक बात बताइए, जो इस तरह से डिबेट नहीं है, में कोई ऐसा व्यक्ति है इस तरह से डिबेट नहीं करते? बीवी का मंगलसूत्र दे दे कल बोल रहे थे तो भी मैं सुन रहा था, अपने समय पे बोलिएगा, अभी लंबी डिबेट चलेगी इस तरह से, अल्लाह करेंगे तो डिबेट नहीं चलेगी। मनीष जी वो ये कह रहे हैं कि क्या आप अपने घर की किसी महिला का मंगलसूत्र इस तरह से दे सकते हैं क्या? ये तो कांग्रेस को देना पड़ेगा जवाब ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब आप जवाब दो, मंगलसूत्र की रक्षा कर सकते हैं? राज शर्मा जी सुन लेते हैं सर। मनीष जी बोलिए, उसके बाद में राज शर्मा जी आपके पास आते हैं। ठीक है सर, 10 सेकंड में प्लीज बात पूरी करिए। जी कि कतई नहीं छूने देंगे, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी नहीं छूने देंगे। और अगर उनकी पुत्रष्टि है ओबीसी का आरक्षण पे, जो मनीष जी प्लीज सुन लीजिए राज शर्मा जी मैं आता हूँ सर। मनीष जी आपके पास सवाल पूछ रहे थे, मैं आपके पास आता हूँ। मंगलसूत्र का क्या किया था? अरे यही बताओ तो भाई, थोड़ा जान जाए तो छूने देंगे? अरे आपके नेता ने मंगलसूत्र का क्या करा था? जो मंगलसूत्र बांधा था उसका क्या किया था? राज शर्मा जी आप देखिए पर्सनली अटैक करने लगे हैं ना, वो भी करेंगे पर्सनल अटैक, फिर इससे क्या फायदा निकलेगा बताइए? जवाब नहीं मंगलसूत्र की नहीं, आप किसी एक शख्स पर पर्सनल अटैक मत करिए ना सर। मंगलसूत्र की वैल्यू घटाएंगे? राहुल गांधी के संस्कारों का व्यक्ति नहीं हूं, राजनीति में पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं नहीं पूछूंगा, पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं नहीं पूछूंगा शर्मा जी, आप लोगों की जीत को भी लकवा मार चुका है। मैं राहुल गांधी के संस्कारों का व्यक्ति नहीं हूँ। अरे आप मुझे पता है कि सोनिया गांधी के संस्कारों का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जानता हूँ आपकी पार्टी के संस्कार क्या है। आपकी पार्टी के संस्कार क्या है? रेप करो, एमपी बन जाओ, यौन शोषण करो, एमएलए बन जाओ, ये संस्कार है। बाकी के मेहमान है उनसे भी एक रिएक्शन लेता हूँ मैं। धर्मेंद्र जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, सर सर मैं आता हूँ। मनीष जी प्लीज, राज जी प्लीज रुपए किलो चीनी सर, मैं वापस आता हूँ आपके पास। धर्मेंद्र जी दूसरे चरण का चुनाव, धर्मेंद्र जी आप कहीं ना कहीं उसका पेज जो है वो बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपने सुना कि देखिए मंगलसूत्र से लेकर और कहा जाए कि
इनहेरिटेंस टैक्स जो है उसको लगाने की बात की जा रही है। क्या आपको लगता है कि पहले चरण का चुनाव में जिस तरह से दावा आपकी तरफ से भी किया जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव में मतदान कम हुआ है और इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि उनका वो जो है मजबूत टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इसी वजह से जो पेस है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? देखिए शांतनु जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि जब 2024 में चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार दो कार्यकाल पूरा कर चुकी है प्रचंड बहुमत के साथ, तो जहां प्रधानमंत्री जी को जो उन्होंने 2014 और 19 में वादा किया था उन पर अपनी बातें बताने के लिए अपने घोषणा पत्र को पढ़ने के बजाय किस तरह से डरे हुए हैं कि वो दूसरे इंडी गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर ही अपने भाषण को ले जा रहे हैं, उनको अपना घोषणा पत्र पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है। दूसरा, जनता ने मन बनाया है इस बार वोट देने का के लिए कि हमको 2014 में जो इन्होंने वादा किया था, चाहे वो किसान से वादा किया हो आय दोगुनी करने की बात रही हो, चाहे वो नौजवान से वादा किया हो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात रही हो, चाहे शांति की बात करने वाले मणिपुर जल रहा है उस पर जवान नहीं खुली, जो बॉर्डर पर बॉर्डर की सुरक्षा और भारत की मजबूती 56 इंची सीने की बात करने वाले थे, किस तरह से नॉर्थ ईस्ट की बात करने वाले थे, लद्दाख में क्या स्थिति है, वहां एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कितने दिन संसद पर है उस पर प्रधानमंत्री जी की जवान नहीं खुलती, हमारी बहने जो खिलाड़ी थी उनका यौन शोषण हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप देख रही थी, चीरहरण हो रहा था उस पर इनकी जवान नहीं खुलती। तो जनता ने मन बनाया है कि आपने जो वादा किया था, आपने कहा था अब की बार महंगाई पर मार, अब की बार मोदी सरकार, और महंगाई की क्या स्थिति है, 2013 से अगर तुलना करें तो कई चीजें 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ गई, और आप कहते हैं कि अब दुनिया से तुलना करने लगते हैं, अगर दुनिया से महंगाई की तुलना करनी है तो प्रति व्यक्ति आय और दुनिया में जो मिनिमम वेजेज है उससे भी तुलना करनी चाहिए। आप वॉल्यूम की बात करते हैं अर्थव्यवस्था के, लेकिन लोगों का जीवन स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। मैं आपको शांतनु जो बताऊं, FMCG सेक्टर में एक सर्वे के अनुसार आटा दाल तेल और इस तरह जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, किचन में प्रयोग करने वाली चीजें हैं जो महिलाओं के, उसमें 14.5% की डिमांड में कमी आई है और बेवरेज सेक्टर में 12.5% की। इसका मूल कारण क्या है कि गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पैसा पहुंच नहीं रहा है, अर्थव्यवस्था डूब गई है, लोगों की नौकरियां मिल नहीं रही हैं। और जो मनीष जी मुस्कुरा रहे हैं लेकिन जरूर बताएंगे कि सेना एक महत्वपूर्ण होती थी, जहां गरीब का बेटा जाता था सेना पर सीना तान करके बॉर्डर की रक्षा करता था, जिससे हम लोग यहां से सुखपूर्वक रह करके और अमन चैन से रह करके भाषण दे दिया करते थे। आज क्या है, वहां अग्निवीर योजना 4 साल की ला दी गई और तमाम नौकरियां छोटी छोटी जहां पर संविदा पर नौकरी कर दी गई है, इन्होंने मैन पावर सप्लायर्स को काम दे दिया अपने भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों को जो नौजवानों का शोषण कर रही है, उनके खेत बिक जा रहे हैं उस नौकरी को पाने के लिए जो साल भर बीतते बीतते उनको जब चाहते फिर हटा देते हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो जो ये रुझान आ रहे हैं जनता के, दूसरा जो एक बात और मैं बता दूं, मनीष जी बड़ा ध्यान सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी इस बार मोदी जी के प्रति कोई उत्साह नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जरूर हैं लेकिन ना तो बूथ पर जाकर के खड़े हो रहे हैं और ना वोट निकलवाने मदद कर रहे हैं, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 के चुनाव में बहुत बुरी तरह हार होने वाली है। और मैं तो कहता हूं 400 के बजाय हो सकता है आते आते समय तक 40 पहुंचना मुश्किल। मनीष जी से जवाब लेंगे लेकिन एक रिएक्शन जो है मयंक त्रिवेदी जी से भी ले लेते हैं। मयंक त्रिवेदी जी RLD के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक जी, के साथ हैं, लेकिन आंकड़े क्या कह रहे हैं और क्या जिस तरह से आपने देखा 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं, पेस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तमाम मुद्दे जो है किस तरह से फायदा आपको पहुंचाएंगे, हालांकि 2 सीटें ही आपको मिली हैं, बताइए। शांतनु जी, सबसे पहले तो जो आपके 12 समाचार के व्यूअर्स हैं उनके मार्फत से उनको हम इस लोकतंत्र के महापर्व की हार्दिक बधाई देते हैं और उनसे अपील करते हैं कि अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि 5 साल में ये मौका मिलता है। अब वोट अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग वो किसी को भी दें लेकिन वोट जरूर करें। रही बात दूसरी, जहां तक आपने कही कि समाजवादी पार्टी के साथ हम पहले थे, किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं हुई, जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने संघर्ष किया है और अगर अब सत्ता के साथ हैं तो सत्ता के साथ रहकर भी हम किसानों की मांग को सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका बेहतर से बेहतर जो भी उनको समर्थन मूल्य है वो दिलाया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा जी बैठे हुए थे, या तो उन पर समाजवादी पार्टी का असर आ रहा है
कि चुनाव के दिन अगर वो कटने और काटने की जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आज चुनाव चल रहा है और इस लैंग्वेज का वो यूज कर रहे हैं, या तो समाजवादी पार्टी का जब से गठबंधन हुआ है तब से उस चीज का इनके ऊपर असर आ गया है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की भाषा चैनल डिबेट पे बैठ के कि और चुनाव के दिन कि कटने काटने मंगलसूत्र के लिए कटना काटना, ये भाषा शोभा नहीं देती है आज के दिन। दूसरी चीज, आपने जो पॉइंट पूछा कि वोटिंग परसेंटेज, इसीलिए मैंने अपील भी की कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, और पिछले जो पहला चरण हुआ उसमें भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा, उसका तमाम रीजन हो सकते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा, आप खुद देख रहे हैं कि गर्मी का क्या स्थिति है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ विश्लेषक जैसे भी राज शर्मा जी कह रहे थे कि मुझे बड़ा यकीन है कि जो है आपकी बार जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है इसका मेन वो है कि सत्ता के विरोध में वोट गया है, तो अब ये स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा तो नहीं है, वोट तो वोट होता है, ठीक है, ये उनका सिर्फ अनुमान है कि जो है वो सत्ता के विरोध में वोट गया है। हमको जो प्रथम चरण में चुनाव हुआ है उसमें भी हम सारी की सारी 8 सीटें जीत रहे हैं, और जो दूसरा चरण है उसमें भी 8 की 8 सीटें हम